हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो ये कोई रिपेयरिंग वाला दोस्तों वीडियो नहीं है, ये जो है अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है दोस्तों। देख सकते हैं हमने यहाँ पे अमेजन से जो है एक प्रोडक्ट यहाँ पे मंगाया है, परचेज किया है, और आज इसका जो है हम यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि हमने क्या चीज़ मंगाया है। और जो भी चीज़ है दोस्तों ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आप जनरली जो घरों में यूज होने वाला या नहीं तो आप इसे दुकान में भी यूज कर सकते हैं। तो खास करके जो मिस्त्री भाई हैं उनके लिए ये चीज़ जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लाइफ सेविंग भी इसे आप कह सकते हैं, ज़िंदगी को बचाने वाला। तो चलिए दोस्तों इसे हम खोल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये MCB की तरह दिखने वाला दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये MCB नहीं है दोस्तों, ये RCCB है, हेवेल्स कंपनी का। और इस वीडियो में दिखाने का ये मतलब ये नहीं कि हम हेवेल्स का प्रचार कर रहे हैं, कोई बात नहीं ऐसा, आप कोई भी कंपनी का मंगा सकते हैं RCCB। तो चलिए इसका जो कवर है दोस्तों उसे भी हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है इसे कवर से खोल लिया है, कवर से निकाल लिया है, और किस कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। देख सकते हैं ये ऑन ऑफ होने वाला नॉब है, और ये टेस्टिंग स्विच है दोस्तों। देख सकते हैं ये 40 एम्पियर का डबल फेज दो फेज का RCCB है, जो कि हमने यहाँ पे अपने घर के लिए मंगाया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 एम्पियर और 30 मिली एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ, तो 40 एम्पियर का ये RCCB है, और हो सकता है कि ये 30 मिली एम्पियर का लोड के बराबर यदि किसी को शॉक लगता है तो ये ट्रिप कर जाता है और लाइन को जो है ये ऑटोमेटिक कट ऑफ करने का काम करता है, हो सकता है। इसके बारे में तो उतना जानकारी नहीं है, बस इतना जानकारी है कि जब भी कोई पर्सन या आदमी जो है आप फेज वायर के संपर्क में आता है दोस्तों तो ये जो है ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है और लाइन को कट ऑफ कर देता है ये यदि ये लगा हुआ है तो। दोस्तों ये कैसे काम करता है इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाले हैं और देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके लिए हमने जो है यहाँ पे दो फेज वायर ले लिया है, ये देख सकते हैं ये अलग है, और यहाँ पे 100 वाट का जो है बल्ब ले लिया है एक, और एक सिंगल वायर भी यहाँ पे हमने ले लिया है, बल्ब प्लस होल्डर भी ले लिया है, ठीक है। अब चलिए हम इसका कनेक्शन करके देखते हैं, कनेक्शन करते हैं। और दोस्तों इसका जो कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ नहीं है किस तरफ लोड और किस तरफ लाइन देना है हमें, तो हम यहाँ पे इसको नीचे की तरफ से जो है यहाँ कनेक्ट करते हैं दो वायर को, जो हमने यहाँ पे डबल फेज वायर लिया है उसको, और उस तरफ से जो आउटपुट होगा आगे ऊपर से तो बल्ब वाला तार जो कि होल्डर में लगा हुआ है वो दोनों तार को दोनों टर्मिनल पे है जो है यहाँ पे हम लगाते हैं, और साथ में एक जो सिंगल वायर है उसे भी कनेक्ट करते हैं किसी एक टर्मिनल में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कनेक्शन तो कर लिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आउटपुट में हमने एक बल्ब यहाँ पे जोड़ दिया है, देख सकते हैं, और एक वायर भी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब हम मेन यहाँ पे इनपुट देने वाले हैं, सबसे पहले जो है इसका स्विच ऑफ कर देते हैं, उसके बाद इसको प्लग इन करते हैं, प्लग इन करने के बाद स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करने के साथ जो है देख सकते हैं ये बल्ब जो है अपना जलने लगा, इसका मतलब लाइन जो है यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं एक वायर लेते हैं जो कि आउटपुट में था कनेक्ट किया हुआ, इस तरीके से हम यहाँ ज़मीन पे जो है टच कराते हैं, देख सकते हैं नीचे में टच करा रहे हैं, लेकिन ये जो है ऑफ नहीं हो रहा है, ट्रिप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि जो हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है वो फेज वायर जो है यहाँ पे नीचे में कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसका जो है टर्मिनल कुछ इस तरीके से जो है फेज को हम चेंज करते हैं। फेज चेंज करने के बाद जो है बल्ब अपना जलना शुरू हो गया। अब हम यहाँ पर नीचे में टच करा के देखते हैं एक बार, और ये देख सकते हैं दोस्तों नीचे में टच कराने के साथ ही जो है ये RCCB जो है ट्रिप हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये जो है RCCB अपना काम कर रहा है। फिर से एक बार जो है हम यहाँ पे ट्राई करते हैं एक बार, और जो ही हम यहाँ पे टच कराते हैं तो ये MCB जो है फिर से दोबारा ट्रिप हो चुका है, देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये RCCB जो है आपका सही काम कर रहा है, लेकिन जब ये
मेन सप्लाई में जो है या आउटपुट में जो है आपका, जब तक ये फेज वायर में टच नहीं होगा, फेज वायर टच नहीं होगा तब तक जो है ये ट्रिप नहीं करेगा। और यहाँ पे टेस्टिंग स्विच भी है, देख सकते हैं, उसे भी प्रेस करके इसे टेस्ट किया जा सकता है कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हम टेस्ट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर से ही शॉर्ट करा रहे हैं, देख सकते हैं आउटपुट में डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये ट्रिप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये जो है शॉर्ट सर्किट में उतना काम ना करे। लेकिन जब ये आदमी को शौक या किसी चीज़ को शौक झटका लगता है तब ये ऑफ होता है ट्रिप। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में यदि आप अपना कोई कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो।